आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब इलेक्शन के बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार बता दिया है कि अगर ये पार्टी पंजाब में जीतती है तो मुख्यमंत्री पद किसके हिस्से में जाएगा। भगवंत मान को पंजाब में अपना सीएम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित कर दिया गया है। भगवंत मान ही मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पार्टी की ओर से पंजाब में पेश किए जाएंगे। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा चुनने के लिए आम जनता के फीडबैक के आधार पर चयन करने का ऐलान किया था। पार्टी ने एक नंबर जारी कर फीडबैक लिया, जिसमें करीब 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय दी है। पहली पसंद भगवंत मान को बताया है। इसी आधार पर केजरीवाल ने पंजाब सीएम का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए भगवंत मान को सीएम फेस बना सकती है, और आज तमाम कयासों पर, अटकलों पर विराम लग गया है और सीएम चेहरे की रेस में भगवंत मान ने बाजी मार ली है। आपको बता दें, भगवंत मान पार्टी के सीएम चेहरे के तौर पर जनता की भी पहली पसंद बनकर सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान पंजाब में सबसे बड़ा चेहरा है। संगरूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं समेत नेतृत्व में अच्छी पैठ है। अपनी शैली को लेकर मालवा इलाके समेत पूरे पंजाब में भगवंत मान जो हैं वो खासा लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।